Hello students, welcome to ODLS classes. This is Anand and today we are discussing about getting to know plants. My dear students, हम इस chapter के last topic पर हैं and इस topic में हम cover करने वाले हैं flower. तो as you know that the most beautiful part of the plant is called flower. सबसे beautiful part को हम flower कहते हैं but अगर हम जाने फ्लावर इज द मेनली रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट तो जो फ्लावर होता है वो प्लांट का मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ओके ऐसा पार्ट जिससे प्लांट अपनी जनरेशन को क्रिएट करता है जिससे प्लांट रिप्रोडक्शन करता है ड्यू टू डिफरेंट कलर ऑफ फ्लावर्स वी आर एबल टू रिकॉग्नाइज प्लांट फ्लावर्स का एक और काम होता है उनके कलर्स के बिहाफ पर हम प्लांट्स को रिकॉग्नाइज भी करते हैं ये प्लांट उसका होगा क्योंकि इसमें ये फ्लावर है ना तो फ्लावर्स के बेसिस पर प्लांट्स को भी रिकॉग्नाइज किया जाता है अब बात करते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द फ्लावर्स तो फ्लावर्स में बहुत सारे पार्ट होते हैं कलर्ड पार्ट होता है पेटल्स सेपल्स होते हैं पिस्टल होता है और स्टेमन होते हैं इन सब पार्ट्स के बारे में जैसे कि इस स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा है जो कलर्ड पार्ट है वो पेटल्स हैं और जो ग्रीन पार्ट है वो सेपल्स हैं और इधर आपको ये दिख रहा है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये स्टेमन है और ये जो बीच में जो बीच का जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं पिस्टिल इन सब के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं चलिए अब बात करते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट इज पेटल्स तो पेटल्स क्या होती हैं द कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट कवर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर तो ये पेटल्स फ्लावर का सबसे कलर्ड पार्ट होती हैं और ये क्या प्रोवाइड करती हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं उसे कवर करने का काम करती हैं सेपल्स होती हैं आउटर मोस्ट ग्रीन कलर पार्ट जो नीचे की तरफ ग्रीन कलर पार्ट पाया जाता है सेपल्स के बाहर उसी को हम पेटल्स के बाहर उसे हम सेपल्स बोलते हैं ये बड को एनक्लोज करने का काम करती हैं ओके बड को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं चलिए अब बात करते हैं फ्लावर के सबसे मेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसे हम स्टेमन बोलते हैं ओके जैसे मेल एंड फीमेल होते हैं तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसमें क्या होता है द ये वो वाला पार्ट है द पोलन प्रोड्यूसिंग पार्ट ऑफ द फ्लावर मींस जो पोलन ग्रेन होते हैं ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के गैमेट्स होते हैं और ये पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करने वाला पार्ट होता है इट हैज़ टू पार्ट फर्स्ट इज एंथर विच इज़ कंटेन पोलन ग्रेन इसमें दो पार्ट होते हैं फर्स्ट होता है एंथर जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है जिसमें पोलन ग्रेन पाए जाते हैं और सेकंड होता है फिलामेंट जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सपोर्ट करता है एंथर को उसे हम फिलामेंट बोलते हैं ओके दोनों स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे होंगे ओके एंथर में पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मेल गैमेट्स होते हैं चलिए अब बात करते हैं फीमेल गैमेट ऑफ प्लांट तो जैसे कि आपको ये साइड में दिखाई दे रहा है ये फीमेल गैमेट प्लांट है इसे हम पिस्टल बोलते हैं ओके तो इसमें तीन पार्ट होते हैं बेसिकली स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवेरी स्टिग्मा क्या होता है द अपर पार्ट रिसेसिव पोलन ग्रेन फॉर फर्टिलाइजेशन जो अपर पार्ट होता है जो खुला होता है इसे हम स्टिग्मा बोलते हैं ये क्या करता है पोलन ग्रेन को कैच और रिसीव करने का काम करता है दूसरा जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम स्टाइल बोलते हैं जो आपको ये दिखाई दे रहा है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये स्टाइल होता है अ लॉन्ग हैलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ज्वाइन स्टिग्मा एंड ओवेरी ओवेरी और स्टिग्मा को ज्वाइन करने वाला बीच का जो पार्ट है उसे स्टाइल बोलते हैं और सबसे नीचे जो सोलन पार्ट होता है इसे हम क्या बोलते हैं इसे हम बोलते हैं ओवेरी इट इन विच ओव्यूल्स आर प्रोड्यूस इसमें जो छोटे छोटे आपको ओव्यूल्स दिखाई दे रहे हैं इसमें ओव्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं देन जी मैच्योर होकर क्या बन जाते हैं सीड्स बन जाते हैं ओके तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें कमेंट बॉक्स जाकर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए थैंक यू सो मच